सब्सक्राइब कीजिए टेक्निक वाले भी यूट्यूब चैनल को और बेल वाले आइकॉन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अली, और आप सबको वेलकम करता हूं टेक्निकल ले भी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी लॉन्ग नेम, स्टाइलिश नेम और सिंबल्स नेम आईडी एंड जंगली नेम आईडी बनाना चाहते हैं तो मेरी ये इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आज का टॉपिक यही है कि आप लॉन्ग नेम, स्टाइलिश नेम, जंगली नेम आईडी कैसे बना सकते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है आपकी डेस्कटॉप के ऊपर शो हो रहा है, तो ऐसी आईडी कैसे बनते हैं, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल वाले आइकॉन को भी आपने ऑन कर लेना है। इसका फ़ायदा यह होगा कि जो भी मैं न्यू लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, इस काम के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। आपने सिंपल प्ले स्टोर ऑन कर लेना है और सर्च बार में आपने टाइप कर लेना है टच वीपीएन। ओके, तो देख सकते हैं टच वीपीएन आ गया है, तो इसका आपको मैं इंटरफेस चेक करवा देता हूँ। 4.5 इसकी रेटिंग है और 10 मिलियन लोग इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो आपने सिंपल इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं सिंपल इसे ओपन कर लेता हूँ। ये कुछ ही सेकंड में ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी दोस्तों, मेरा टच वीपीएन ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे स्विच लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने टिक का एक ऑप्शन है स्पेन के साथ, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑल कंट्री की लोकेशन आ जाएंगी, तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और स्पेन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट का, तो इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है। ये कुछ ही सेकंड में कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी दोस्तों, मेरा वीपीएन कनेक्ट हो रहा है, कुछ ही सेकंड में कनेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है कभी कभार और कभी कभार बहुत जल्दी वर्क कर लेता है। जी गाइस, मेरा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। वीपीएन मेरा कनेक्ट हो चुका है, तो मैं आप सिंपल बैग आ जाता हूँ, और आपने कोई भी अपना ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मेरे पास यूसी ब्राउज़र है क्योंकि मैं ज़्यादा यूसी करता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए प्रॉक्सी। तो कनेक्ट हो चुकी है, तो अब मैंने क्लिक करना है क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर, आपने भी क्रिएट न्यू अकाउंट कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, मेल, डेट ऑफ बर्थ और एंड पासवर्ड। वो आपने मेल ऐड कर लेना और अपना पासवर्ड भी ऐड कर लेना है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपको अच्छी लगे वो आपने ऐड कर लेनी है। तो मैं ये अपनी ईमेल भी कोई ऐड कर लेनी है, ठीक है? तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो उनसे है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जो उनसे सिंबल हैं वो आप लोगों ने वहां से कॉपी करके और यहां पे ऐड कर लेने हैं। मैं अपना नोट पैड ओपन करके आप लोगों को चेक करवा देता हूं कौन से सिंबल्स हैं और कैसे आपने कॉपी करने हैं और कितने आपने वहां पे ऐड करने हैं। तो देख सकते हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आपने कितना ऐड करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ और कॉपी करके भी चेक करवा देता हूँ। ओके, आपने यहाँ पे इतना सेट कर लेना है जितना मैं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद अपना आपने यूसी ब्राउज़र ऑन कर लेना है और फर्स्ट नेम की जगह कॉपी पेस्ट आपने कर लेना है, वही नेम आपने रखना है, कोई स्पेस ऐड नहीं करनी है आपने। तो आप बारी आगे लास्ट नेम की, तो आप दोबारा नोट पैड में आ जाएँ, तो नीचे वाला जो उनका सिंबल है वो आप देख लें कितना मैंने कॉपी किया, आपने भी उतना कॉपी पेस्ट करना है। ओके, मैंने सिंबल कॉपी कर लिया, अब मैं पेस्ट करने लगा हूँ लास्ट नेम पे, तो देख सकते हैं कि मैंने अपना नेम ऐड कर लिया और आपने सिंपल साइन अप के ऊपर आपने क्लिक कर लेना, आपने कुछ भी नहीं करना, कोई स्पेस ऐड नहीं करनी। तो ये कुछ ही सेकंड में मेरी आईडी बन जाएगी, मैं आपको चेक भी करवाऊँगा। तो मैंने साइन अप के ऊपर क्लिक कर दिया, देख सकते हैं कि कुछ ही सेकेंड में बन जाएगी, ये लोडिंग ले रही है, नेटवर्क की वजह से कुछ लेट हो गया। देख सकते हैं कि मेरी फेसबुक आईडी बन चुकी है, आपने नॉट नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप नॉट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वेरीफाई का कोड आएगा, तो आपने सेटिंग
प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है एंड जंगल के ऊपर आपने क्लिक करना है। देख सकते हैं कि मेरी आईडी सक्सेसफुली बन चुकी है। सो उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।